एक इन्होंने ना एक फोल्डर बनाया जिसमें लिखा हुआ है माय पीपल, और उन माय पीपल के अंदर सिर्फ खवातीन है जिनको ये जो है ना बड़ी अच्छी किस्म की ड्रिंक्स पिलाते हुए बनाते हुए नजर आ रहे हैं। हमिंग के पास जाते हैं, वो कहते हैं भाई बैठ जाओ, ड्रिंक आ रही है, बंदा जो है ना वो पहुंचा देगा आप तक। ये कोई स्पेशल मजा आता है आपको, ये कोई स्पेशल शौक है कि खाली खवातीन को चार्म करते हैं? रियलिटी ये है कि लड़के भी बुलाते हैं लेकिन वो असल में लड़के नहीं होते लड़के। तो या वो कह रहे जो हमजा को डिजाइनर की कॉल आई थी। हाँ। मेरा बस शरारतें मेरे दिमाग में आ जाती हैं। ये मैंने सवाल प्लान नहीं किया था, हमजा ने बात की कि उन्होंने कहा कि प्रपोजल की, तो प्रपोजल तो आपको बहुत से आते होंगे। रेस्टोरेंट में भी कभी ऐसे वाकयात हुए कि कोई फीमेल गेस्ट आई हो और आके उन्होंने आपके अपने सर्वर को नंबर दे दिया हो कि अदील का नंबर, अदील को मेरा ये नंबर दे दीजिएगा, या कोई लव लेटर आ गया हो? इस तरह के बहुत सारे होते हैं, मतलब ये कोई पर्टिकुलर बता दें, वो देख रही होंगी। इतने सारे मैं अब किस तरह से आपको बताऊं, ऑन टॉप ऑफ माय हेड कोई नहीं है। लेकिन इस तरह से होता है। लेकिन और हम लोग प्रोफेशनल फील्ड में बैठे हुए हैं और इस टाइप की चीज़ों में हम लोग इन्वॉल्व नहीं हो सकते। बिल्कुल, कोई अगर इस तरह से करता भी है तो उसको बड़ा पोलाइटली और बड़ा पॉजिटिवली उनको साथ गपशप लगाते हैं। मोस्टली लोग आते हैं पिक्चर्स खींचने के लिए। नहीं, अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि यू वेंट टू अ गर्ल, कभी गपशप मारने तो ऑपोजिट सेक्स का पता चले ही जाता है यार। चले मतलब कि वो इंस्टाग्राम से कभी डीएम कर दिया हो, कभी किसी को स्टॉक किया? अच्छा, मैंने बंदा कभी गलती कर ही देता है, गलती है तो बता रहे हैं कि जिनको इन्होंने मैसेज भेज के ना इंस्टाग्राम पे डीएम करके अनसेंड किए थे। हाँ। तो वो आता ना मैसेज आता है कि मैसेज इज नो मोर अवेलेबल फॉर योर प्रीव्यू। तो ये अदील अगर किया था तो कभी गलती इंसान से प्रूफ नहीं जोड़ना भी। आई मीन कभी इस तरह हो कि रात ही किसी पहर में आप इमोशनली इतने बह गए और यू हैव डायल्ड योर एक्स और बाद में सुबह बड़ा रिग्रेट हो यार मैं की कर लेता है। नहीं यार, मैं बात है कि मैं गर्लफ्रेंड नहीं, आई बिलीव इन सिग्निफिकेंट अदर्स। ठीक है, तो हम वो किससे भी बात करते हैं तो शादी के प्लान से माइंड वेरी स्मार्ट। हम सब फूड और सेक्स बोथ बोथ फूड आई एम नॉट मैरिड। अच्छा हमजा, जिस तरह किल हुकअप और मैरी की बात करते हैं, आपके ऑप्शन है हुमा खान, रीमा खान और मीरा। उज़्मा खान, रीमा खान एंड मीरा। वेल हुमा खान, सॉरी हुमा खान, हुमा खान। अच्छा हुकअप हुमा खान, ठीक है। मैरी रीमा, बिकॉज अगर देखा जाए तो आई थिंक वो काफी, उन्होंने अपने आप को बहुत ग्रूम किया है एंड शी हैज अच्छी एक रिप्यूट है। ठीक है, डेफिनेटली मैरी रीमा खान एंड किल मीरा जी। रीमा को एक एडवाइस देंगे, रीमा को एडवाइस ये कि पानी के अंदर स्नो के बजाय आइस डालना शुरू कर दें। ठीक है, स्नो ना डालें, बर्फ डालें, बर्फ डालें, बर्फ डालें। एक एडवाइस जहांगीर तरीन को आपने देनी है? जहांगीर तरीन को एक जुमले में? हाँ, एडवाइस ये कि जो उनका प्राइवेट जेट है उसको पब्लिक भी थोड़ा सा कर दिया करें कभी। प्राइवेट जेट जो है पब्लिक कहते हैं मुबशर, सॉरी मतलब कि तो आपने क्या उस पर टिकटॉक बनानी है? हाँ जी, टिकटॉक बनाएंगे, टिकटॉक के लिए उसको खोलें, खोलें। आपके नाम के साथ शाद नहीं लगता? नहीं नहीं, फिर नहीं खुल सकता।